बुद्ध का चूंकि यहीं जन्म हुआ था तो सम्राट अशोक यहाँ आए और उन्होंने एक पिलर स्थापित कराए और इस पर उन्होंने शिलालेख लिखवाए जिसमें लिखवाए हैं देवाना पियेन पिय दसिना, मतलब अंग्रेजी में यहाँ उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है कि किंग पियदसी द बिलोव्ड ऑफ द गॉड, देवताओं के प्रिय राजा अशोक। यह गलत है, यह गलत इसलिए है कि सम्राट अशोक के किसी शिलालेख अभिलेख में हम लोगों को किसी देवी देवता का नाम नहीं मिलता है। अफगानिस्तान से लेकर के इधर दक्षिण भारत तक जितने भी उनके शिलालेख हैं कहीं भी किसी देवी देवता का नाम नहीं मिलता है, इसलिए इसकी व्याख्या इसका अर्थ करना कि देवताओं के प्रिय राजा अशोक, यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से टेक्स्ट के हिसाब से और रिफरेंस के हिसाब से गलत है। देवानम प्रिय का मतलब बुद्ध प्रिय राजा, देव का मतलब बुद्ध, बुद्ध को ही देव कहा जाता है, बुद्ध ही देव हैं। आज भी आप पाली डिक्शनरी में देव का अर्थ आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारे शब्दकोश उपलब्ध हैं पाली के भी। ऐसे भी बुद्ध को बुद्ध देव कहा ही जाता है, तो चूंकि सम्राट अशोक के शिलालेख पर केवल बुद्ध का नाम है ओनली, और किसी महापुरुष का नहीं है, कहीं नहीं है, न किसी देवी देवता का है, इसलिए ये जो नेपाली में है कि देवता हरुका प्रिय प्रियदर्शी, यह गलत है। इसमें संशोधन होना चाहिए कि बुद्ध प्रिय राजा अशोक। ओके सर।